हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एमबीबीएस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा मैथ में एट प्रेजेंट हमारा चैप्टर 9 रनिंग में है, मलिक, जिसकी हम 9.6 तक डन कर चुके हैं एक्सरसाइज। आज हम करेंगे 9.7 और 9.8 वर्ड प्रॉब्लम वाले, यानी कि वर्डिंग वाले आंसर, क्वेश्चन आंसर। ओके बेटा, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर को हम लेंथी टाइम तक नहीं खींचेंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ प्लस माइनस है। ओके, और 6 एक्सरसाइज तक हम यही करते आ रहे हैं। हमें सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100। ओके, जब हम रुपीज से पैसे बनाते हैं तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ओके, और जब हम पैसे से रुपीज बनाते हैं तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, सिर्फ इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पैसे बनाते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और रुपीज बनाते हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड, और किससे करेंगे, 100 से। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है हमें, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस है। ओके, आज ये चैप्टर डन है। कल मैं इसी चैप्टर का नेक्स्ट 110 पे टेस्ट दिया गया है बुक में, वो मैं आपको समझाऊंगी, और मैं इसके लिए कल टेस्ट रखूंगी। ओके, तो आप देखिए करना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरज पे गुआवा एंड मैंगो इक्वल टू 100, यानी कि धीरज ने गुआवा और मैंगो खरीदने के लिए कितने पैसे खर्च किए, 100। ओके, द कॉस्ट ऑफ गुआवा वाज, उसने गुआवा पे कितने पैसे खर्च करे, 35। ठीक है, टोटल भी दे रखा है और गुआवा के पैसे भी दे रखा है, तो नेचुरल है अब हमें किसकी निकालनी चाहिए, कॉस्ट मैंगो की, कॉस्ट ऑफ मैंगो, हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, मैंगो की। तो क्या करना चाहिए, 100 में से और 35 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गए तो 5, और यहाँ क्या बचा, 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि उसने मैंगो पे कितने पैसे खर्च करे हैं, 65 रुपीज। ठीक है, टोटल तो किए 100, गुआवा के किए 35, और मैंगो की कितनी कॉस्ट निकल के आई है, 65। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहिल अर्न वाज 4050, यानी कि साहिल ने कितने रुपए कमाए हैं, 4050 रुपीज। ठीक है, रेंट ऑफ पेड ऑफ, उसने रेंट पे कितने पैसे दिए हैं, पेड कितना दिया है, 1200। ओके, ही स्पेंट राशन, और राशन पे कितने दिए हैं, 1500। ओके, बिल पे, बिल पे कितने खर्च किए हैं, 250। ठीक है, तो 4050 तो उसने कमाए हैं, रेंट पे उसने 1200, राशन पे 1500, एंड बिल पे कितना किया है, 250 रुपीज। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, 1200, 1500 एंड 250 को ऐड कर लेना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 0, 0, 5, 5, 2, 4, 5, 7, 2, 9, 1, 1, 2, यानी कि उसने 4050 रुपीज में से राशन, बिल एंड रेंट पे 2950 रुपीज खर्च किए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब क्या पूछा गया है कि जब उसने कमाए थे इतने इतने पैसे उसने खर्च किए, तो उसके पास कितने बचे। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, मनी लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट उसके पास कितने बचे। तो अब क्या करेंगे हम, 4050 में से 2950 को निकाल देंगे, हम इनको निकाल देंगे, हमारे पास लेफ्ट मनी बचे। ठीक है, अब देखो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गए 0, यहाँ क्या है, 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो क्या बन जाएगा यहाँ, 10, और 10 में से 9 गए तो 1। ठीक है, यहाँ क्या बच गया है, 3, 3 में से 1 गए 2 गए तो 1, यानी कि लेफ्ट उसके पास मनी कितनी बची है, लेफ्ट कितने बचे हैं उसके पास, 1100। ठीक है, इसमें बेटा सिर्फ हमें क्या करना था, टोटल में से माइनस करना था, इसमें पहले हमने ऐड किया, उसके बाद में लास्ट में उसमें माइनस करके उसकी लेफ्ट मनी निकल गई। ठीक है, ये वर्डिंग वाले हैं, करना इसी में भी वही प्लस माइनस ही है,
सिर्फ आपको इस चैप्टर में मैंने जो फर्स्ट में बातें बताई थी वो ध्यान रखने की है, ठीक है। पैसे को किस कन्वर्ट कैसे करते हैं, रुपीज को कैसे करते हैं, क्या क्या करना चाहिए, पैसे के लिए मल्टीप्लाई, रुपीज के लिए डिवाइड, ठीक है। ओके टेक केयर। ये सभी हम क्या है, नेक्स्ट 1-1 क्वेश्चन आप खुद भी सोल्व करके देखोगे, फिर नोटबुक में करोगे। टेक केयर।